हेलो एंड वेलकम वेलकम टू द डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इनसाइट्स विद एमजे। फ्रेंड्स, आज है 9th दिसंबर एंड विल बी एस्टिमेटिंग द प्रोबेबल मूव्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, बाइंग एंड सेलिंग जोन्स अलोंग विद अ ट्रेडिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ऑन 10th दिसंबर, राइट? एंड 10th दिसंबर ऑफ कोर्स इज अ वेरी स्पेशल डे, थर्सडे है। कल निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है दैट इज शेड्यूल्ड, सो यू नीड टू बी केयरफुल। Listen to this video very carefully so that you know the levels where to buy, where to sell Nifty as well as Bank Nifty. Of course, there will be a lot more than just the levels and zones, right? Friends, if you are new to our YouTube channel and if you're listening first time our video, do subscribe to this YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload any video, you get notification. And of course, be generous to share the video with your friends and trading communities so that they can also get benefited from quality knowledge. Now, friends, let's look at the daily chart of Nifty and Bank Nifty to see what kind of performance it gave vis-a-vis what we estimated for it today, right? For today. So, अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे फ्रेंड्स, तो यू कैन सी द बोथ ओपन गैप अप एंड मेंटेन द बुलिश बायस, राइट? इट टुक द क्यू फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट एंड थ्रू आउट द डे आज बुल्स ने कंट्रोल रखा मार्केट के ऊपर। इनफैक्ट आई वाज सेइंग दैट इट्स डिफाइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक बार ऊपर गई है मार्केट तो नीचे जाने का करेक्शन का नाम ही नहीं ले रही। बैंक निफ्टी ने थोड़ा फार फिर भी करेक्शन किया बट निफ्टी हैज जस्ट ज़ूम्ड अप, राइट? सो आज ओवरऑल जो मार्केट की ब्रेड थी पॉजिटिव रही फ्रेंड, 33 स्टॉक एडवांस एंड 16 डिक्लाइंड फ्रॉम द स्टैक ऑफ निफ्टी 50। वन स्टॉक ऑफ कोर्स डिडंट डू मच ऑफ इट। द टॉप कंट्रीब्यूटर्स टुडे वर यू नो यूपीएल, एशियन पेंट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जो टॉप ड्रैगर थे। हालांकि ड्रैगर ने कुछ खास ड्रैग नहीं किया आज। हिंडालको, श्री सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, विप्रो, टाटा स्टील वर माइल्डली ड्रैगर्स फॉर द मार्केट। आज निफ्टी ने एक नया हाई टच किया 13,548 का, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। एंड अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी क्लोज्ड एट 13,529 with a net gain of 136 points, while the bank Nifty gained 447 point and it closed at 30,709. And now humne kal video mein jo range di thi aaj ke liye 13,200 se 13,550 ki di thi, to aaj Nifty almost usi range mein trade kar rahi thi, while as bank Nifty humne range di thi 29,500 to 31,000 ki, so bank Nifty more or less same range mein aaj मूव कर रही थी, राइट? सो अगर हम ट्रेंड के परस्पेक्टिव से देखें तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी मेड हायर हाई एंड हायर लोस टुडे, सो अप ट्रेंड कंटिन्यूज, सो पार्टी कंटिन्यूज इन बोथ इंडाइसेस, राइट? आफ्टर मेकिंग अ डोजी कैंडल निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी टुडे वी सॉ बुलिश कैंडल, राइट? ऑन वीकली अगर हम देखें फ्रेंड, सो वीकली में जो हमको स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रहे थे, इनडिसाइसिव काइंड ऑफ कैंडल दिखा रहे थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, टुडे यू कैन सी बोथ हैव मेड अ bullish candle and again that is quite encouraging for the market. Now price action perspective se agar hum daily chart mein dekhe, agar nifty ya bank nifty mein kal correction aayegi to which are the supportive levels here. So pehla level jo nifty ko support karega friends, let me mark that, that will be 13,500, 13,460 another level of support, 13,435 is a third level of support and 13,393 fourth level of support. So more or less अगर आप देखेंगे तो lower side में 13,393 निकल के आ रहा है, और अगर आप upper side में देखेंगे bank Nifty में अगर bullish move कल भी maintain रहता है तो 13,548 which is today's high is a first level of resistance. Second level of resistance आएगा 13,595 पे, third 13,650 and fourth level of resistance aayega friends 13,700 pe. So you can make a note of it, right? So let me jot down on the lower side. You have got for Nifty that's 13,393, and upper side you can see 13,700 could be the range. अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में लोअर साइड में सब जो आज बैंक निफ्टी क्लोज हुई 13,709 पे हुई है, 30,709 की क्लोजिंग पे बैंक निफ्टी खड़ी है, और 30,525 पहला सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है 30,353, थर्ड है 30,175 एंड फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारा 30,028 पे। अगर बैंक निफ्टी में अप मूव आती है तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 30,807 जो कि आज का हाई है,
नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 31,085 पे, एंड उसके बाद में इसको मिलता है 31,282 एंड 31,437 पे. सो 31,437 could be on the upper side. So this turns out to be the range for Bank Nifty. Now this is based upon the price action. Let's look at the data perspective. Ki Nifty ka ya Bank Nifty ka PCR kya hai aur bulls and bears ne kis type ke position banaye hai. Now since 13,529 is a closing, so 13,550 ko hum at the money consider karenge friends, and uske aaspaas mein dekhenge bulls and bears ne kis type ke position yahan pe banaye hue hai, right? तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे पुट साइड में फ्रेंड्स 13,550 के आसपास में, तो कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है, बट ओवरऑल हाफ अ मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पे, क्वाइट एनकरेजिंग बाय बुल्स. 13,600 पे भी ऑलमोस्ट 4.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, बट जो सपोर्ट लेवल है वो निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 13,500 पे, जहां पे आप 3.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो, एंड मोस्ट एनकरेजिंग इज अ 3 मिलियन फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस सीम्स टू बी यू नो वेरी टाइट सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी फॉर टुमारो. 13,450 पे अगेन यू नो यू आर गेटिंग 1.8 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इमर्जेस एज अ सपोर्ट टू. अगर ये लेवल टूटता है, नेक्स्ट सपोर्ट इज अ 13,400 का, जिसपे आपको 1.9 मिलियन फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आए आज और 3.41 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे, सो दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट 3. ऑल्दो मैक्स ओपन इंटरेस्ट 13,500 पे, जो कि मोर और लेस इक्वल है, जो कि 13,400 के आसपास में सेम ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहे. सो आई कैनॉट से दैट विच ओपन इंटरेस्ट इज बेटर और विच स्ट्राइक इज बेटर, बट डेफिनेटली 13,500 क्योंकि फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा आए हैं, तो दैट सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर, बट लोअर साइड 13,400 पे दिखाई दे रही है यहाँ पे. नाउ अगर हम कॉल साइड में देखें फ्रेंड्स, तो आज काफी अनवाइंडिंग हुई है कॉल्स की, एंड वी हैव बीन रेगुलरली सीइंग दैट यू नो दिस अनवाइंडिंग इज हैपनिंग, एंड दिस अनवाइंडिंग इज हैपनिंग फ्रॉम द बियर्स, राइट, जिन्होंने ये कॉल राइट करके रखी थी, राइट. सो ऑल्दो 13,500 में अभी भी 3.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं हमको, जो ये दिखाते हैं कि भाई इतने जितने जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स राइट किए हैं बियर्स ने, उनको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मार्केट 13,500 से नीचे जाएगी. सो 13,550 इज इमर्जिंग एज अ रेजिस्टेंस वन, वेयर यू कैन सी अ स्मॉल क्वांटम ऑफ यू नो कॉल राइटिंग हैज हैपेंड, बट इंडीड 1.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, दैट विल बी अ गुड रेजिस्टेंस. आई टू हमारा निकल के आता है फ्रेंड 13,600 पे, वेर यू कुड सी 3.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल्दो नई कॉल राइटिंग खाली 2 लाख की हुई है, सो सीम्स टू बी अ लिटिल वीक सपोर्ट वीक रेजिस्टेंस लेवल. 13,650 पे अगर हम देखना चाहें फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश आए, ऐसे लगता है ये थोड़ा एक लेवल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कल के लिए, सो दैट विल एक्ट एज आर 3. बट अगर ये लेवल टूटता है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेवल है 13,700, एंड ये लेवल पे आपको 3.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जहां पे कि 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज फ्रेश आए हैं. सो आई वुड से फ्रॉम हेयर 13,400 टू 13,700, जो कि हमने प्राइस एक्शन पे भी करीब करीब यही एक लेवल देखा था, यही हमको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, राइट. अगर हम इसके पीसीआर की बात करें फ्रेंड्स, इस ऑप्शन चेन के पीसीआर की बात करें, तो आज का पीसीआर है 1.49, जो कि बुलिश पीसीआर दिखाता है. सिमिलरली बैंक निफ्टी में आज का पीसीआर है 1.14, जो कि एक माइल्ड बुलिश प्रेशर दिखाता है, एंड बैंक निफ्टी की रेंज दिखाई दे रही 30,000 से 31,500 की, तो थोड़ा ब्रॉड रेंज है बैंक निफ्टी की, राइट, एंड बोथ आर शोइंग बुलिश बायस बेस्ड अपॉन द डेटा. नाउ अगर हम यहाँ पे जाएं, तो आपको 13,393, दैट इज 13,400 एंड 13,700 का हमको प्राइस एक्शन से भी यहाँ पे देखने को मिला था, और 30,000 से 30,500 की रेंज हमको डेटा से भी यहाँ पे देखने को मिल रही है और प्राइस एक्शन से भी. सो इट सीम्स टू बी फाइनल रेंज फॉर निफ्टी एंड एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, एंड वी कैन से दैट डेटा एंड टेक्निकल एनालिसिस इज in sync with each other at this point of time. Now, before we get into the nitty-gritty of how to trade Nifty and Bank Nifty on a smaller time frame tomorrow, you can have a look at how the international markets have performed. So we'll start from DAX Germany and FTSE London, right? So yahan ke indices ke future kaise chal rahe hain, aapne आज देखा होगा डेक्स जर्मनी ने एक ब्रेकआउट लिया यहाँ से, ऑल्दो आई कैनॉट से कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन से बाहर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन जोन में ही है, बट ये ट्रेंड लाइन से कम एक्चुअली से बाहर आया है, राइट.
अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में आया, गैप अप स्टार्ट हुआ है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, राइट, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। सिमिलरली एफटीएससी में अगेन विद यू नो द ओपनिंग वॉज विद अ गैप एंड उसके बाद में मार्केट अप गई थी, थोड़ा अभी करेक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो बाय द यू नो डे द और बाय द नाइट इट क्लोजेज द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अक्सर ट्रेड हो रहे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 24/7। सो when tomorrow you open up your trading desk, first see these indices ki, jise agar hum kal ki baat kare to kal isne dragonfly doji banaya tha FTSE ne market close hone ke baad mein, aur yahan pe isne ek bullish hammer pattern dikhaya tha, right, trend line pe bullish hammer pattern is a bullish pattern, that's what we see in the chart also, right. Now Nasdaq ko dekhe to Nasdaq mein again profit booking ho rahi thi. Well, let's see what has happened today. So, although Nasdaq is slowly moving upside, but we cannot say that there is a lot of strength in, you know, in the upside of these tech companies at this point of time. Of course, US is talking about the stimulus, which will keep on driving the US market, thus indirectly international market as well, right? So, Federal Bank की जो policies हैं, that's right now pumping up money US market, and that is visible from Dow Jones. Dow Jones all-time high में है, और ये breakout Dow Jones ने कल दिया, and उसके बाद में आज भी ये breakout की condition maintained है. हालांकि MACD देखने से लग रहा है कि यहाँ पे strength बहुत ज़्यादा नहीं है, but RSI is showing bullish strength. Similarly, the chart is more or less similar in S&P 500 as well. स्लो है बट स्टडी अप मूव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट. सो वैक्सीन की उम्मीद पे सारी दुनिया टिकी हुई है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ वी गो टू आर चार्ट हियर ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टू सी व्हाट काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेड पॉसिबिलिटीज कुड बी देयर इन अ 15 मिनट चार्ट. बट बिफोर दैट इफ यू लुक एट प्रोविजनल डेटा फ्रेंड्स, आज 3,564 करोड़ के बाइंग की FIs ने इन इक्विटी इन अ कैश मार्केट, वाइल DIs वर अगेन नेट सेलर विद 2,493 करोड़. अगर ओवरऑल अगर मैं डिसंबर की बात करूं फ्रेंड्स, तो डिसंबर में FIs ने ओवरऑल बाइंग की 20,472 करोड़ की एंड DIs ने सेल आउट किया 13,992 करोड़ का इन कैश मार्केट इन इक्विटीज. नाउ डिसंबर जनरली इज प्रॉफिट बुकिंग मंथ बिकॉज द अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय दीज FIs in their respective countries. So far we haven't seen any kind of profit booking from them at this point of time. They are just adding up to their positions. Agar future ki baat kare, future mein you know FIs are bullish in options. Agar baat kare to as of now you know FIs and retailers are bullish in FNO yeah options mein jo Nifty and Bank Nifty ke hain, while as pros are sideways. And agar hum 15 minute ke chart mein dekhe to possibly we can work out on how you can trade Nifty as well as Bank Nifty. So let me expand the chart of Nifty now. From 13,500 to 13,548, ये 50 पॉइंट का एक ट्रेडिंग रेंज फ्रेंड्स थोड़ा अवॉइड करें. अगर आपको लॉन्ग जाना है तो 13,550 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती 15-20 मिनट, देन यू कैन गो लॉन्ग इन द मार्केट एंड देयर इज अ ट्रेंड लाइन विच विल बी क्रिएटिंग रेजिस्टेंस देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट एज द मार्केट मूव्स ऑन अ हायर लेवल यू वुड सी द फियर फैक्टर राइजिंग अमंग द पीपल. बट अगर 13,550 के ऊपर आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन 13,595 इज योर नेक्स्ट टारगेट. अगर ये टारगेट पे आपको बुलिश बायस मिलता है, वॉल्यूम्स राइज हो रहे हैं और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी लॉन्ग एंट्री दे रही है आपको, तो कंटिन्यू विद फ्यू ऑफ द ट्रेड्स में 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लें आप, राइट. एंड अगर मार्केट 13,000 ये रेंज में स्टार्ट होती है, बट यू नो ओआरसी का लोअर रेंज ब्रेक करके डाउन साइड में जाती है, देन योर you know target for tomorrow could be 13,435 or 13,393. So now what happens agar market gap up start hoti hai ya gap down start hoti hai. In case agar gap up start hoti hai, again wait for half an hour to 45 minute friends, let the market stabilize. जैसे आज मार्केट गैप अप स्टार्ट हुई थी एंड वी हैड एक्सपेक्टेड इन दिस जोन द प्रॉफिट बुकिंग विल स्टार्ट, बट दैट डिड नॉट हैपन. बट ओ आर सी वॉज वेरी स्मॉल, सो दोज ऑफ यू हु आर यू नो नॉट नोइंग वॉट इज ओ आर सी, हाउ डू वी ट्रेड ओ आर सी, ओ आर सी इज अ ओपन रेंज कैंडल विच इज सीन इन अ 10 मिनट चार्ट, एंड वो अपर साइड में इसने ब्रेक किया था बिकॉज इट हैज
कंज्यूम्ड मच लेसर देन द यू नो आई थिंक 15% ATR कंज्यूम हुआ था. तो 15% ATR कंज्यूम होने का मतलब है कि मार्केट विल बी ट्रेंडिंग. सो आज मार्केट ट्रेंडिंग थी और जैसे ORC अपसाइड में ब्रेक हुआ, देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग. अगर कल मार्केट ऐसे ही स्टार्ट होती है तो यू नीड टू वॉच आउट. वॉट आई वुड डू इज पॉसिबली मैं मेरे YouTube चैनल में कम्युनिटी टैब में कल के लेवल एक बार सुबह डाल दूंगा कि ORC लॉन्ग साइड दे रही या शॉर्ट साइड दे रही. सो दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई YouTube चैनल नाउ प्लीज सब्सक्राइब सच दैट जब भी मैं वो लेवल डालूंगा वहां पे तो आपको एक इंटीमेशन मिल जाएगा. आप वो लेवल देख सकते हैं कि ORC कितना कंज्यूम हुआ है ATR का, राइट. तो अभी सपोज करें कल मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है, लेट्स से 13,435 पे या 13,460 पे और 13,393, क्योंकि मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे जाना कोई आजकल बड़ी बात नहीं रह गई है, राइट. तो इन सच अ केस गैप डाउन में आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिकॉज दैट विल बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बाय द पीपल. हाउएवर देयर इज अ कैवियट, यू शुड बी केयरफुल एज द मार्केट आर प्रोग्रेसिंग इन bullish direction with or upper direction without correction, right? क्योंकि correction होने के बाद में market up जाती है तो stability बनी रहती है, but straight line में अगर market up जाती है तो there is a higher chance of falling, but the falls are much steeper in such a case. Now अगर हम bank nifty की बात करें, friends, how do you trade bank nifty tomorrow? 30,525 से 30,807, ये 300 point का जो एक range है, that would possibly turn out to be a little bit range bound and volatile zone. So इसको थोड़ा avoid करें starting में, half an hour to 45 minute wait करें. यहाँ पे ORC जैसे टूटे तो ORC में अगर अपसाइड में ब्रेकआउट मिलता है आपको विद अ राइजिंग वॉल्यूम देन लॉन्ग बनता है और लॉन्ग बनता है 30,807 के ऊपर. अगर ORC डाउनसाइड में टूटती फ्रेंड्स देन योर फर्स्ट टारगेट शुड बी 30,353 एंड 30,175. मेरे ख्याल से 30,175 में आपको यहां पे रिवर्सल आते हुए दिखेगा. मार्केट अगर गैप अप स्टार्ट होती है, लेट्स से 31,085 या 31,282 पे, then you would be witnessing profit booking, friends. So again, wait for the ORC to be broken downside, then you can short the bank nifty in such a case. But either way, use stop loss and trailing stop loss if you are in profit. That's the only way that you can convert your profits, notional profits into the real profits which you can transfer to your bank account. Agar aap stop loss wagera nahi lagayenge, you may be in profit but they may turn out to be in negative in case the market reverses abruptly, which can be expected at this point of time. Agar hum RSI ki baat kare friends, aaj ka RSI hai 79, which is in even RSI is now saying market is in an overbought zone. Aaj India VIX 3.5% down hua hai. However, इतना डाउन होने के बाद भी मार्केट ओवरबॉट जोन में ही है. 94 का स्टॉकेस्टिक डेली में, 95 का स्टॉकेस्टिक वीकली बेसिस पे दिखा रहा है. तो इन सच अ केस यू नीड टू बी केयरफुल एज एन इंट्राडे ट्रेडर और अ स्विंग ट्रेडर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनलेस अंटिल मार्केट कूल्स ऑफ, दीज इंडिकेटर्स कूल ऑफ एंड दे गिव यू एटलीस्ट अपसाइड मार्जिन ऑफ 10-15% स्विंग ट्रेड्स को इनिशिएट न करें. इफ यू आर इन swing trade already, of course, then you should protect your profits with stop losses, right? Now, kal ki trading range, friends, 13,400 se 13,650 or 700 ki hai Nifty ke liye aur Bank Nifty ke liye 30,000 se 31,500 ki hai, right? Agar market 13,300 ke upar sustain karti hai, to we are expecting the market to continue its uprise towards 13,750. And अगर 13,300 के नीचे जाती तो definitely then the correction will be slightly deeper and you can expect 300 to 400 points further fall in the market. Overbought zone में market का consolidation होना and correction करना is a very natural phenomena. You need to appreciate that. That could also be an opportunity for those of you who could not take entry before in this up rally can take now. I hope, friend, this analysis is helping you to navigate through the market with confidence and with profitable traders. Thank you again for watching the video. To get latest information, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon here such that you get the
notifications. And to learn stocks, derivatives, commodities, forex trading, investing, technical or fundamental analysis, you can, you know, write down in the comment box of the video what you really want to learn and how we can help you there. Community tab mein bahut sari information, friends, hum ye YouTube mein post karte rehte hain. Do read that and do comment there as well. We are there to support you in your trading and investing journey. We have got many videos, friends, which are useful, you know, for you understanding the market, you understanding and learning the trading and investing. Your journey could be much easier when you learn it properly and then follow a system, right? A system-based approach will always help you to become a better trader and investor. Thank you once again for watching and liking the video. Please do share the videos with your friends and trading community so that they can also be benefited from quality knowledge. Signing off until the next video, friends. Happy trading, happy investing.